खाके बचा है इसका जो गोश्त है साफी। बहुत जल्द मैं आपको गाइड करूंगा, वो कमिश मैंने तैयार करके दिखाई है। इस टाइम पे आके इसके ऊपर धनिया डाला करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। कमाल की रेसिपियां, अथेंटिक रेसिपियां। सर्दियां आ रही हैं, फिश की रेसिपियां। कोरमा फिश किस तरीके से तैयार होती है वो भी बताऊंगा। जो फिश की बिरयानी है, पुलाव है, वो किस तरीके से तैयार होती है वो भी बताऊंगा। आज एक सिंपल तरीके से घर में शोरबे वाली फिश किस तरीके से तैयार होती है कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ, तवज्जो से देखिएगा। ये मैंने 1 किलो डमरा फिश ले ली और अजवैन, नमक और हल्दी हाफ हाफ टी स्पून इसको अच्छे तरीके से लगा के रख दिया ताकि इसका जो पानी है वो रिमूव हो जाए। 1 घंटा हो गया इसको लगे हुए, अब मैं इसको वॉश कर लूंगा, ठीक है। अब पहले आपने वॉश नहीं करनी, ये सब चीजें लगा के रख देनी है ताकि इसकी बसांत वगैरह खत्म हो जाए। इसको मैं वॉश कर लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। फिश को अच्छे तरीके से हमने धो लिया, धोने के बाद इसके साथ का एक पैन ले लिया, ये चूल्हे पे चढ़ा दिया, 150 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया, फ्लेम को ऑन करके इसको गर्म कर लें। ऑयल गर्म हो गया, मेथी दाना हाफ टेबल स्पून। अब ये मेरे पास छोटे साइज वाला जो होता है वो है, बड़े साइज में भी मेथी दाना मिल जाता है, अगर आपके पास वो है वो शामिल कर दें, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये हाफ टेबल स्पून शामिल कर दें, 1 मिनट इसमें कड़कड़ा लें, 1 मिनट के बाद देखते हैं। फिर ये मेरे पास दरमियाने साइज की 2 अदद प्याज थी, मैंने उसको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया, ठीक है। 1 मिनट के बाद ये डाल दें प्याज इसमें, और फ्लेम को मीडियम रखें, मीडियम फ्लेम पे इसको प्याज को नरम होने दें, सड़ा ना देना, हल्का सा नरम करना है बस। जब प्याज इस कलर में आ जाए फिर ये लहसुन अदरक था मेरे पास, 4 जवे लहसुन के, 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया, शामिल कर दें, शामिल करके इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। ये लें जी 3 अदद टमाटर है मेरे पास इस साइज के, देख लें ये तकरीबन 1/2 पाव बनते हैं, ये डाल दें इसमें जूसर वाले जग में। ये 5 अदद सब्ज मिर्चे हैं, बड़े वाले कड़वी कम होते हैं, ये डाल दें, थोड़ा सा पानी डाल दें और इसकी पेस्ट तैयार कर लें। लहसुन अदरक को थोड़ा सा भून के टमाटर और सब्ज मिर्चों का जो पेस्ट तैयार किया था वो शामिल कर दें। हमने इसकी करी तैयार करनी है जो ग्रेवी होती है, ठीक हो गया। अब इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मैं टमाटरों को और मिर्चों को भून लूँ, तकरीबन 2 मिनट तक भूनूंगा, फ्लेम मीडियम रहेगा। ये लें जी, हम मैंने टमाटरों को डाला पेस्ट को और सब्ज मिर्चों को 2 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली, ऑयल ऊपर आ गया, थोड़ा सा फ्लेम कम करने लगा, सिर्फ आपको बताने के लिए, आपने फ्लेम कम नहीं करना। 1 टेबल स्पून भर के सुरख मिर्चों का पाउडर शामिल कर दें, 1 टीस्पून हल्दी शामिल कर दें, ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून शामिल कर दें, ये पपरिका पाउडर, रेड शिमला मिर्चों का पाउडर है, ये 1/2 टीस्पून जाएगा, ये कलर के लिए होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो देगी मिर्च ले लें, वो शामिल कर लें, ये कलर के लिए डलती है। अगर दोनों चीज़ें नहीं है फिर भी आप घर में बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये डाल के अच्छे तरीके से, नमक नहीं दबिया मैं आज तक बेच, नमक नहीं डालना आपने, ठीक है। अब अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लूँ, मसालों की अच्छे तरीके से भुनाई हो गई, ऑयल ऊपर आ गया, ये देखिए स्मूथ सी हमें इस तरह की ग्रेवी चाहिए, बिल्कुल ही इस तरह की, देखें इस तरह की प्यारी प्यारी सी मुलायम सी, आंच को इंतहाई कम कर दें। ये मेरे पास तकरीबन 60 से 70 ग्राम दही है, इसको मैंने फेंट लिया, आंच कम करके दही शामिल कर दें और तकरीबन 2 मिनट तक हल्की आंच पे इसका दही का पानी खुश्क होने दें। ये लें जी, दही का पानी खुश्क हो गया, फ्लेम को मीडियम कर लें, चम्मच को थोड़ी देर के लिए साइड पर कर दें, आँच को मीडियम पे ले आए, ठीक है। अब ये फिश के जो पीस हैं इनको इसके अंदर इस तरीके से रख दें। ये देखिए, ये 1.5 किलो का एक पीस था, तकरीबन ये 1 किलो मेरे पास आके बचा है इसका जो गोश्त है साफ़ी, ठीक हो गया। इस तरीके से इसके अंदर रख दें, अब इसके अंदर चम्मच नहीं दबते रहना, इस तरीके से तकरीबन 2 से 3 मिनट इस फ्लेम पर इसको हम अच्छे तरीके से इसके अंदर भुनेंगे हल्के हाथों से, ठीक है। ये लें और इसको ना ऐसे हल्के हाथों से इस तरह उठा के इस तरह हिलाएं इसे, क्योंकि मैं तो चम्मच से भी अगर इसको चेंज करूंगा तो मुझसे तो नहीं टूटेगी, अगर आप तो एक्सपर्ट हैं तो फिर तो नहीं टूटने चाहिए, अगर आप न्यू दफ़ा बना रहे हैं तो फिर इसको आपने इस तरह पकड़ के इस तरह हिलाना है अच्छे तरीके से, ठीक हो गया। नमक अजय तक नहीं दबना, इसको हिला दें इस तरीके से अच्छे तरीके से और 2 मिनट इसको मज़ीद पकने दें इसमें।
फ्लेम को दम वाले पे ले आए हैं, दम वाले फ्लेम पे। अब जितना आपको शोरबा पसंद है उतना आप कर सकते हैं। ये मेरे पास 1 लीटर पानी है, मैं 1 लीटर पानी शामिल करने लगा हूँ। 1 लीटर पानी शामिल कर दिया। नमक अभी भी नहीं मैंने डाला। मैंने अभी नहीं इसमें नमक डाला, कोई चीज़ नहीं डाली। नमक मछली को लगा हुआ था, अभी हमने नहीं डाला। इसको थोड़ा सा हिला दिया। अब इसको यहाँ पे ये देखें, हमने 20 मिनट इसको स्टीम देनी है, कवर करना है, स्टीम में तैयार हो गई। 10 मिनट के बाद इसको खोल के मैं चेक करूंगा, नमक उस टाइम मैं डालूंगा, ठीक है। अगर काम होगा उस टाइम मैंने इसको डालना है। हर चीज़ इसमें टेंडर हो जाएगी। 20 मिनट के बाद मिलते हैं। ये ले व्यूअर, 10 मिनट हो गए हैं इसको दम वाली आंच पे पकते हुए। 10 मिनट के बाद इसको उठा के देखते हैं, थोड़ा सा इसका जो है ना नमक चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा नमक कम लग रहा है मुझे इसमें। ये देखें, बहुत प्यारी पक रही है। आपने भी चम्मच नहीं दाब के चलाने हैं। ये देखें इस तरीके से मोहब्बत से, ये देखें पीस टूटने नहीं चाहिए। थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक डाल दूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को देख लिया करें। मैं 1/2 टीस्पून इसके अंदर नमक मज़ीद शामिल करूँगा, बस इतना सा। और इसको फिर ऊपर से कवर कर दूँगा 10 मिनट के लिए। ये लें जी, 20 मिनट कम्प्लीट हो चुके हैं दम वाली आँच पर। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू, बहुत प्यारी लुक, बहुत प्यारा टेस्ट। इस टाइम पे आके 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, इसकी रेसिपी पहले मैंने आपको दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आई बटन में भी दे देंगे। अब ये डाल के हमने हल्के हाथों से ऐसे चलाना है इसको। अगर आपसे ऐसे आपको लगे कि पीस टूट जाएंगे, फिर आपने इसको उठा के हिला लेना, जैसे पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। डिश आउट करने लगे हैं। ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। देखें पूरे पूरे पीस ऐसे डालें। शोरबा जितना भी आप पसंद करें उतना भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये इस तरह शोरबे वाली अगर फिश अगर आप खाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनेगी, ये इसी तरीके से बनेगी। फिर फिश का कोरमा किस तरीके से तैयार होता है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको गाइड करूंगा मुकम्मल। इसकी बिरयानी किस तरीके से तैयार होती है वो भी मुकम्मल गाइड। फिश की जितनी वरायटी हैं मुकम्मल गाइड करूंगा इंशाल्लाह। फ्राई फिश की वरायटी, हर किस्म की फिश आपको सिखा दूंगा मैं, आप टेंशन ना लिया करें। अगर आपको हमारी ये फिश की रेसिपी, जो शोरबे वाली फिश मैंने तैयार करके दिखाई है, अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक पे हमारा पेज है उसको लाइक कर दें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, इस टाइम पे आके इसके ऊपर धनिया डाला करें, दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।